नमस्कार दोस्तों, डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भयानक राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट पाकिस्तान और चीन के साथ दो मोर्चे पर युद्ध को रोकने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। दोस्तों, फ्रांस ने राफेल को परमाणु हथियार वितरण के लिए संशोधित किया गया है, जो दूसरा स्ट्राइक क्षमता प्रदान करने में अपनी भूमिका की संभावनाओं को खोलना है। परमाणु बम देने की इसकी क्षमता चीनी और पाकिस्तान को दोनों को डराने में काफ़ी आगे निकल चुका है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, चीनी और पाकिस्तानी अगर किसी एयरक्राफ्ट से डरते हैं तो वह राफेल फाइटर जेट है। इसका दूसरा कारण है कि यह परमाणु बम डालने में भी क्षमता रखते हैं, और दूसरी कैपेबिलिटी है इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने में भी यह सक्षम है, और तीसरी खूबी यह है कि डॉग फाइट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई फाइटर जेट इतना कैपेबल हो और फिर चाइनी और पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, क्योंकि राफेल फाइटर जेट दोस्तों F-35 को भी मात दे चुका है कई मौके में, और चाइनीज़ फाइटर जेट तो इसके सामने टिक भी नहीं पाते, और पाकिस्तान का JF-17, अब मैं आपको क्या कहूँ। पाकिस्तान के लिए धन्यवाद, राफेल की डिलीवरी तब शुरू की गई जब चीन ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की थी, भारतीय वायुसेना के मुक्के को बढ़ा दिया था, जिसे बीजिंग को ध्यान में रखना पड़ा था। पाकिस्तान के लिए मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें मुट्ठी भर से अधिक हैं, क्योंकि वह 100 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को मार सकती है, जिसे राफेल को नियंत्रण रेखा LOC को पार किए बिना हमला करने की सुविधा मिलती है। राफेल मिका मिसाइलों पर भी सवार है, जो 60 किलोमीटर की सीमा में हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको कहा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के कारण राफेल इतना सक्षम है कि पाकिस्तान की सीमा बिना पार किए गए अपनी जो लक्ष्य है उसको साध सकता है। और जो दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी तो पहले तो अंदर घुसना पड़ा था, पर अगर भारत को अब एयर स्ट्राइक करनी पड़े तो भारत बिना घुसे अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है। और दूसरा फायदा भारत को ये मिलने वाला है कि गुजरात में अब पाकिस्तान की सीमा के पास एक हवाई अड्डा बनने वाला है, जो केवल भारतीय एयरफोर्स के लिए है, तो और भी आसान हो जाएगा पाकिस्तान में हमला करना। दोस्तों, राफेल लड़ाकू जेट इसलिए भारतीय हवाई क्षेत्र को पार किए बिना पाकिस्तान के भीतर असाधारण रूप से गहरे हवाई हमले करने में सक्षम है, जिसने पाकिस्तानी मुख्य भूमि की भेद्यता को पूरी तरह से उजागर कर दिया। राफेल एक सुरक्षित जुड़वा इंजन वाला विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना अगले 40 वर्षों तक उड़ाना चाहती हैं। और दोस्तों, भारत को और भी राफेल फाइटर जेट की आवश्यकता है। अभी तो भारतीय वायुसेना 27 की संख्या में राफेल M एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है, और दोस्तों पाकिस्तान को और भी ज़्यादा दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी जो 111 या 114 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीदने वाली है, वो भी क्योंकि और कोई दूसरा विमान भारतीय वायुसेना या भारतीय नेवी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि F-18 सुपर नोट की भी ट्रायल लेके देख ली है, भारतीय नौसेना ने राफेल M को ही पसंद किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय एयरफोर्स भी जो 114 विमान के लिए RFI जारी कर रखी है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि राफेल फाइटर जेट को भी चुना जाएगा। और अब तो जो राफेल फाइटर मिलेगा वो और भी ज़्यादा कैपेबल मिलेगा, क्योंकि वो F-4 के संख्या का होगा दोस्तों, मतलब F-4 वेरिएंट का होगा, तो वो मतलब आप देख सकते हैं कि वो 5th जनरेशन के आसपास का एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि उसमें केवल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल कम मात्रा में होगी, पर वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पूरी तरह से सुसज्जित होगा राफेल फाइटर जेट। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो F-4 वेरिएंट भारत को मिलेगा, भारतीय वायुसेना को, वो किसी से कम नहीं होगा। और अगर फ्रांस आने वाले समय में और भी अच्छा एयरक्राफ्ट बनाता है तो भारत उसको भी ले सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।